दोस्तों वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पिछले दिनों जो अफवाह सुनाई दी जा रही थी पल आखिर वो सच साबित हुई। पाकिस्तानी मॉडल मेहविश हयात को सदर आरफ अलवी के हाथों पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड तगमा-ए-इम्तियाज से नवाज दिया गया। 23 मार्च को ईवान सदर में तकरीब मुनक्कद की गई। इस तकरीब के दौरान एक डांसर को तगमा-ए-इम्तियाज दिया गया। इम्तियाज देने से पहले मेहविश हयात के बारे में डाइस से जो बातें बताई गयी वो सब गलत थी। कहा गया की पाकिस्तानी फिल्मों में सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है, बिल्कुल गलत। अगर सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है तो जो अदाकार बेचारे पिछले 25-30 साल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको तमगा-ए-इम्तियाज क्यों नहीं दिया गया। मेहविश हयात की अब तक सिर्फ 2 फिल्में कामयाब हुई है, पंजाब नहीं जाऊंगी और एक्टर इन लॉ, बाकी सब की सब फिल्में बुरी तरह फ्लॉप या नाकाम हुई हैं। इतनी अजीब बात है, पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक मॉडल जो जिस्म की नुमाइश में टॉप पर है इसे अवार्ड दिया गया। आखिर हम अपनी बेटियों और आने वाली नस्ल को क्या सिखा रहे हैं कि इस तरह नाच गाना करके मॉडलिंग करके मुल्क की खिदमत करो तो बड़ा अवार्ड मिलेगा। मेहविश हयात ने आखिर इस मुल्क के लिए किया ही क्या है? क्या उन्होंने ख्वातीन के लिए कोई अच्छा काम किया है? कौन सा तमीराती काम किया है? क्या इस मुल्क में मेहविश हयात के अलावा कोई डॉक्टर, कोई फौजी जवान, कोई मजहब स्कॉलर नहीं बचा जिसने सही मायनों मुल्क और कौम की खिदमत की हो और वो इस अवार्ड का मुस्तहिक भी हो? अगर यही रिवाज चलती रही तो फिर ये कौम डांसर पैदा करेगी, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई बनने की लोग कोशिश नहीं करेंगे और लोग इस काम को तरजीह नहीं देंगे। खुदारा इस मुल्क के हुक्मरानों, इस मुल्क पर रहम करो। अगर ये रियासत मदीना बनानी है तो फिर फहाशी की ये जगह को उखाड़ फेंकना होगा, न कि इनको पानी देना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।